गाइस, वेलकम बैक टू अंजलिस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ नान, जो घर में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और एकदम रेस्टोरेंट जैसे बनते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं नान बनाना। नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मैदा लिया है और मैदे को हम थोड़ा सा खिलार लेंगे। और इसमें मैं 150 ग्राम दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद इसमें मैं आधे से भी कम चम्मच नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और एक चम्मच चीनी ऐड करूँगी। इन सबको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मसलने के बाद इसमें मैं एक बड़ा चम्मच मक्खन ऐड करूंगी। मक्खन ऐड करने के बाद इसका हम डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, मैंने डो को दही और मक्खन के साथ तैयार किया है। तो आप देख रहे हैं हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर अब हम एक चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लेंगे। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसकी अब हम लोइयां बनानी शुरू करेंगे। लोइयां बनाने के बाद एक हम कोई भी प्लेट ले लेंगे। प्लेट के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे। मैदा डस्ट करने के बाद एक बार फिर से हम लोइयों को राउंड शेप दे देंगे और मैदे के ऊपर रख देंगे। दो सौ ग्राम मैदे से मैंने यहाँ पे 7 लोइयां तैयार की हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको अब हम गीले कपड़े के साथ कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको हम 3 से 4 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। 4 घंटे हो चुके हैं और हमारी लोइयां फर्मेंट हो चुकी हैं, ये अपने आकार से बड़ी हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नान बनाना। नान बनाने के लिए सबसे पहले हम चकले के ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे। तो लोई को भी हम अपने हाथों से अच्छी तरह से गोल कर देंगे। चकले के ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको सॉफ्ट हाथों से बेल लेंगे। नान को बेलने के बाद इसके ऊपर हम पानी लगा देंगे। हमारा तवा गर्म हो चुका है, इसके लिए हम आयरन का तवा यूज़ करेंगे और जिस साइड पे हमने पानी लगाया उस साइड को हम तवे के ऊपर रख देंगे। आप देख रहे हैं इसके ऊपर बबल्स आने शुरू हो चुके हैं और ये नीचे से फटना शुरू हो चुके हैं। तवे को हम उल्टा कर देंगे और इसको हम दूसरी साइड से पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई और मीडियम के बीच ही रखेंगे। आप देख रहे हैं हमारा नान तैयार हो चुका है और ये दोनों ही साइड से बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुके हैं। तो इसको अब हम घी या बटर के साथ ग्रीस कर लेंगे। और इसी प्रोसेस में हम दूसरा नान बनाना शुरू करेंगे। तो हमारे नान बनकर तैयार हो चुके हैं, आप देख रहे हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।